अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कुन बांडा और उसकी असल कहानी। तो चलें अपना सफर शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे ये सारा व्यू। अब यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, बेसिकली कहते हैं कुन बांडा। लेकिन मसला ये है कि इसका कोई पाथ नहीं, प्रॉपर कोई जगह नहीं है। ये सबसे डिफ़िकल्ट पाथ है जहाज़ बांडा से नीचे जाने का, बहुत डिफ़िकल्ट है। कोशिश करें कि अच्छे अच्छी जगह देख के अच्छे फुटस्टेप आप भरें और आप नीचे आएँ। तो अभी देखते हैं, हम लोग भी चलते हैं नीचे, तो फिर मिलते हैं नीचे जाके कुन बांडा। कुन बांडा का ये रास्ता बहुत ही खतरनाक और पथरीला है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जहाज बांडा से नीचे नहीं आते और इस जबरदस्त नज़ारे को देखे बिना वापस चले जाते हैं। ये ट्रैक बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बच्चों को अपने साथ हरगिज ना लेके आए। इस ट्रैक पर आने से पहले आपके पास दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, अच्छे ग्रिप वाले शूज और दूसरी ट्रैकिंग स्टिक। और फाइनली हम जहाज बांडा से नीचे आ गए हैं कुन बांडा के लिए। लेकिन रास्ते में हमें ये खूबसूरत वाटरफॉल मिला। ये देखें कितनी खूबसूरत है, कितने पानी ज़्यादा कार है, ज़रा देखें इसको। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस पानी के लिए। और ये देखें रेनबो, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें, सूरज की रोशनी से ये कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत रेनबो है। ये देखें कुदरत का करिश्मा देखें। कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितनी करीब से आपको ये दिखा सकूँ। ये वाटरफॉल देखें, वो आबशार जो मैं इसके करीब से करीब तर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो माशाल्लाह, ये कितनी खूबसूरत अल्लाह की कुदरत है। ये सारा पानी देखें और ये इसकी हाइट देखें आबशार। ये वो आबशार, बहुत ही खूबसूरत आबशार है। और इसके साथ ही ये है कुंड बांडा। ये सारा एरिया जितना भी है, ये सारा कुंड बांडा है। क्योंकि यहाँ पे कुंड बांडा हम आ चुके हैं, तो आने हमारे साथ साथ अभी नीचे चलें कुंड बांडा के ऊपर। अल्लाह की कुदरत देखें,
ये है कुंड बांडा, बहुत ही खूबसूरत पीसफुल जगह। मैं आपसे इतना कहूँगा, अगर आप जहाज़ बांडा आते हो तो उसके बाद आप एक रात कुंड बांडा में यहाँ पे आप कैंप लाजमी करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही पुरसकून जगह। और लाइट की काफ़ी कमी हो रही है हमें, हमने आगे भी निकलना है। ये कुंड बांडा एक दफ़ा आप देख लें सारा कितना खूबसूरत है। ये जो अभी हमने आबशार देखी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, ये आबशार का नाम है राजा आबशार, ठीक है। और ये बेसिकली राजा आबशार की जगह है। कई लोगों ने वीडियोस कुछ ऐसी बनाई हैं कि इसको कुंड बांडा का नाम दे दिया गया है, लेकिन ये कुंड बांडा की जगह नहीं। और ये जो पानी आ रहा है इसको कहते हैं दरियाए नागिन, इसको कहते हैं दरियाए नागिन। मज़ीद आपको तफसील ये भाई हमारे ये आपको बताएंगे कि इस जगह को क्या कहते हैं। जी ये राजा आबशार है जी, जितनी भी जगह है राजा आबशार। अच्छा, ये राजा आबशार के नाम से सारी जगह कहलाती, इसको कुंड बांडा नहीं कहते। ये राजा आबशार है, जब आगे जाएगा जहाँ पे ग्लेशियर पड़ा है, ठीक है, इसके नीचे ही कुंड बांडा है, ठीक है। जास बांडा इसके साथ में ही जो है राजा बांडा, राजा बांडा, ओके। राजा बांडा और जास बांडा किससे होते हैं आप पटोरा लाइक, पटोरा लेक हम सुबह जाएंगे, इसका तीन चार लाइक वो छुपी छुपी है। हाँ जी, वो बड़ी ठीक है, थोड़ा एक। इसका मतलब ये कि इस जगह को कुंड बांडा नहीं कहा जाता। नहीं, ये राजा आबशार है, कुंड बांडा मतलब बांडे का मतलब ये है कि जहाँ पे माल मवेशी वाले लोग रहते हैं। हाँ जी, ठीक है, जहाँ पे घर मतलब जैसा छोटा सा गांव हो जाए। हाँ, छोटा सा गांव, वो बांडा खिलाते हैं, वो बांडा खिलाते हैं, मतलब बांडा आगे आपको घंटा लग सकता है, घंटा लगे। इसका मतलब ये कि जो भी आपको अगर कहे कि ये कुंड बांडा है तो बिल्कुल गलत है। ये राजा आबशार मतलब ये जो जगह कहलाती है, और इसको दरियाए नागिन कहते हैं। जो होटल बनाया इसको भी राजा होटल, राजा होटल। इस अगर आप यहाँ पे रहें, यहाँ पे कैंपिंग करें या इनके होटल में रुकें, कुंड बांडा की दास्तान और असल कहानी सुनने के बाद सोचा क्यों ना इस नज़ारे का मजा लिया जाए। ये जगह बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छी है। आप लोग जहाज़ बांडा हैं तो यहाँ नीचे आके आप लोग कैंपिंग करें, बहुत ही पुरसकून। और साथ ही आबशार बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पे पेश करती है, बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग जब भी आएँ यहाँ पे आप लोग आके कैंपिंग करें, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। ये खाने की चीज़ें, ये यहाँ से हर चीज़ आपको खाने की यहाँ पर चीज़ मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि मगरिब होने वाली है, अभी हमने ऊपर भी जाना है। पहले हम जो आए थे वो दूसरा पाथ था, अब जो एक और पाथ हमें यहाँ के रिहायशी ने बताया कि बहुत सेफ पाथ है, आप लोग वहाँ से जाएं। तो चलें चलते हैं।